हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ विकास। चलिए आज चलते हैं झारखंड राज्य की एक बहुत ही खूबसूरत गांव का दर्शन करने, जो कि झारखंड की कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो चलिए चलकर देख लेते हैं। दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला के अमाडुबी गाँव को देखने के लिए। हम लोग अभी घाटशिला से धलबुंगड़ की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर बाएँ तरफ मुड़ जाना है। ये गांव घाटशिला शहर से 15 किलोमीटर और जमशेदपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झारखंड की ऐतिहासिक कला संस्कृति को देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। यह कला मंदिर में प्रवेश करने का मेन गेट है। ये देखिए अंदर में पार्क जैसा बनाया हुआ है। ये बैठने के लिए जगह, यहाँ पर्यटकों के ठहरने का गेस्ट हाउस भी है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं अमाडुबी गांव के कला मंदिर में। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं। स्पेशली हम लोग यहाँ पर आए हैं पाइट का चित्रकला को देखने के लिए। आप लोग पाइट का चित्रकला का नाम सुने होंगे, इसे स्क्रॉल चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशली स्क्रॉल चित्रकला यही अमाडुबी गांव में ही बनाया जाता है, इसलिए हम लोग देखने के लिए आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्पेशली पाइटकर चित्रकला को देखने के लिए आए हुए हैं। ये अमाडुबी गाँव में है और ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है और ये सिर्फ झारखंड के अमाडुबी गांव में ही पाया जाता है। तो देखिए, ये है हम लोग काला मंदिर, अमाडुबी गांव का काला मंदिर है। इसमें पाइटकार चित्रकला को रखा जाता है, लेकिन कारणवश अभी चित्रकला को मार्केट लेके गया हुआ है, इसलिए अभी हम लोग दिखा नहीं पा रहे हैं इसको। झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी बोलते हैं और ये गाँव को, अमाडुबी गाँव को पाइटकार गाँव भी बोला जाता है। यह म्यूजियम है, देखिए कितने सुंदर सजाया गया है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, जैसे कुछ वाद्य यंत्र, छौ नृत्य का मुखौटा और भी बहुत कुछ। इसको ठीक से सजा के नहीं रखा गया है। ये बहुत बकी सारा बकी है, वो आंगुल तक और कुछ नहीं है, उसने छोड़ दिया इसको। तब तो देखना था और सब देखे थे हम। उधर जाइए गांव तरफ। अभी जो पेंटिंग होता है, पेंटिंग सब अभी नहीं है। अभी जाएंगे हम लोग गांव तरफ, उधर देखेंगे पेंटिंग, देखेंगे कैसा है पेंटिंग। तो दोस्तों, हम लोग अभी पहुंचे हैं पाइटकार चित्रकार विजय के घर में। तो देख सकते हैं दोस्तों, कैसे बहुत सारे चित्रकला यहाँ पे रखा हुआ है। तो आइए हम लोग बात करेंगे विजय चित्रकार से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय चित्रकार, और सर्वप्रथम आप लोग को नमस्कार करते हैं। नमस्ते, नमस्ते। जोहार। और मेरा नाम विजय चित्रकार है, गांव अमाडुबी। हम एक आर्टिस्ट हैं। ऐसे हाथ का बनाए हुए चीज़, ये जो देखते हैं ये राधा कृष्ण का है, राधा कृष्ण। ये रासलीला, इसको बोलते हैं रासलीला। और ये जो सारा कलर देखते हैं सर, ये सब नेचुरल कलर्स, जैसा पत्थर, सब्जी उब्जी ऐसा पीस करके, उसे जूस निकाल करके, गम मिला करके, ये सब कलर यूज़ करते हैं हम लोग। ये एक पेंटिंग कितना दिन में बना लेते हैं सर? ये एक पेंटिंग कम से कम, जैसे कि राधा कृष्ण का जो देखते हैं ये वाला पेंटिंग, कम से कम 3 दिन लगा सर।
3 दिन। हाँ 3 दिन। जैसे ये हो गया आपका मीराबाई, जैसे कि मीराबाई है, और ये सीसा, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना ये सीसा, लेकिन मीराबाई जो देखते हैं कृष्ण को देखते हैं सीसा में, अपना मुंह नहीं है सीसा में, इसका अंतरात्मा हर समय श्री कृष्ण को ही देखते हैं, इसलिए सीसा में जब देखते हैं तो अपना मुंह नहीं देखते हैं, ये कृष्ण को देखते हैं। और ये कपड़ा में बनाया गया, ये माँ दुर्गा का कपड़ा में ही बनाया, देख सकते हैं दोस्तों ये दुर्गा माँ का पेंटिंग है और कितना सुंदर लग रहा है, ये कपड़ा में बनाया गया है। दोस्तों पहले जब शुरुआत हुई थी चित्रकला की तो पहले इसी तरह कागज में बनाया जाता था, देख सकते हैं आप, मतलब पूरा लंबा ऐसा बहुत बड़ा बड़ा बनाता था सर, माने एक एक जो सारा स्टोरी, इसमें सारा स्टोरी है सर, पूरा स्टोरी इतना सारा लंबा, इसमें गाना भी है कथा भी है, गाना और कथा दोनों ही इसमें है, जो जैसे कि ये दो गांव है वहाँ नाच हो रहा है ये ऐसा, और जैसे कि ये हो गया आपका माँ दुर्गा और काली, इसका रूप का वर्णन होता है सर, हम लोग गाना में इसको जैसा कि लोगों के सामने हम गाना गा करके सुनाते हैं इस पट के द्वारा ही सारा काली दुर्गा एवं काली का रूप वर्णन होता है, ऐसा इस तरह होता है कि जब हम लोग गाना गाते हैं तो हम गाना गा सकते हैं ना। हाँ गाइए, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि दुर्गा दुर्गा बोले अमार दग्ध होलो काला, एक बार देगो माँ चरणेरी छाया, कुरुपांडवेर युद्धे राखिले नारायणी, राखिले वर्णी कसुते दक्षिण मशानी, ऐसा माँ दुर्गा का ही रूप का वर्णन होता है कि अच्छा जैसे कि माँ काली का हो गया, काली काली भद्र काली कराल बोधनी, मुख होते बेरोय कालीर चौषट्टी जोगिनी, चौषट्टी जोगिनी कालीर सय चौद्द चेलांग, केह धरे खंडे कपर गोले मुंड मालांग, बाहाते कातान कालीर डान हाते खप्पर, रक्त धारा बच्चे कालीर मुखेरी ऊपर, रणभंग होए काली मर्त पाने चाई, सदा शिवेर बुके पा देखिबारे पाई, तखन आधा जीव कारिया काली कैलाशे पलाई, कैलाशे पालिए मागो बसिल जोगासने, हेन काले पड़े गेल नारदेरे मने, एरकम भावे ऐसा ही रूप का वर्णन होता है। ये पूरा चित्रकला को एक कहानी के तरह दिखाया जाता है, ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं दोस्तों, जैसे पहले चित्रकला होता था मूवी वगैरह में भी होता था, एक चित्र के ऊपर एक चित्र, सीक्वेंस वाइज का चित्रकला बनाया गया है। ये क्या चीज़ का बना हुआ है? ये आपका हेलमेट सीट, अच्छा क्वालिटी वाला पेपर, जो पेपर कभी ख़राब नहीं होगा, इसमें सारा जो पेंट है सारा प्राकृतिक पेंट आपका, जैसे कि स्टोन हो गया और सिम का पत्ता, पुई का बीजा और पोलास का फूल और आपका तरह तरह का गेरू पत्थर, ये सब सारा चीज़ मिला करके बनाते हैं। अभी जैसे कि साड़ी उड़ी में जब बनाते हैं तो दूसरा कलर यूज करना पड़ता है, बाकी हमारा जो ट्रेडिशनल जो चीज़ है सारा कलर सारा प्रकृति से ही हम लोग लेते हैं, और प्राकृतिक कलर को इस तरह का ही हम लोग फिलिंग करते हैं सारा पॉट, इसका नाम है पाटकार पेंटिंग। अच्छा, इसमें कलर यूज किया गया है, ये सब छूटेगा नहीं? नहीं, ये छूटेगा नहीं, ये प्रोसेसिंग किया हुआ है उनसे ही। यही चित्रकला के अलावा और कुछ करते हैं अपना दैनिक जीवन काटने के लिए, जीविका निर्वाह के लिए? और कुछ रास्ता नहीं है सर, यही चित्रकला, यही, और इसका भी तो उतना नहीं चलता है, फिर भी चला जाता है किसी तरह, माने आनंद था है उतना, माने परेशानी नहीं है, अगर परेशानी होता तो आर्ट नहीं आता हमें। ये तो मेरा 1 महीना लगा ये कहानी बनाने में, पहले मैं लिखा हमारा कागज़ में हम लिखा, उसके बाद कहानी जब बन गया
तो एक एक पेंटिंग को सजाया, एक एक मोटिफ को कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेटिंग करने से पूरा ये जैसे मूवी जैसे लगे। आप कितना पढ़े? पढ़े लिखे नहीं सर, उतना पढ़े लिखे नहीं। वो माँ पापा जब जिंदा था तो उसी समय स्कूल जाता था, वो 5-6 क्लास तक पढ़ा, उसके बाद पढ़ नहीं पाया। पढ़ने का तो बहुत शौक़ था। अमाडूबी गांव में एक्चुअली जो अमाडूबी गांव है ना, ये पूर्वी सिंहभूम का एक प्रसिद्ध गांव है। और इस गांव में आज गांव में कितना लोग ऐसे पेंटिंग बनाते होंगे? देखिए हमारे इस गाँव में जैसा कि सब 30-35 घर है तो सब जन ही काम जानते हैं, काम जानते हैं, बहू बेटी लोग सब। 30-35 घर है। हाँ वही अभी थोड़ा बड़ा है। तो सब जन काम जानते हैं। एक्चुअली मार्केट जो हमको मिलना चाहिए और इसमें जो जीविका निर्वाह करने के लिए जो रोजगार चाहिए वो नहीं मिलता है, इसके लिए जैसा कि मजदूर में करना पड़ता है। दोस्तों, इस चित्रकला के माध्यम से स्थानीय लोग विभिन्न कहानियों और स्थानीय रीति रिवाजों का वर्णन करते हैं। यह चित्रकला प्राचीन काल से ही झारखंड में विद्यमान है। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में भी देखने को मिलता है। शायद इसीलिए इसे भारत का सबसे पुराना चित्रकला माना जाता है। पर अब बात बदल गई है। जिस चित्रकारी को अधिक सम्मान और अधिक आमदनी मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। ज़्यादातर लोगों को इस पेंटिंग का महत्व समझ में नहीं आने के कारण ज़्यादातर लोग इसे खरीद नहीं रहे हैं। इसलिए अब इन शिल्पकारों का आमदनी इतना कम हो गया है कि जिसके चलते इस गांव के ज़्यादातर चित्रकारी इस काम को छोड़कर दूसरे काम में लग गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आए थे देखने के लिए, पेंटिंग पसंद हुआ हम लोग को तो ले रहे हैं हम लोग दो पेंटिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।